ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब सूर्य देव एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस क्रिया को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इन सब में मकर संक्रांति को सबसे विशेष माना जाता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यहां पर 15 जनवरी 2023 के दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। बता दें कि मकर संक्रांति के दिन स्नान एवं दान का विशेष महत्व है। इस विशेष दिन पर सूर्य देव की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। मान्यता है कि सूर्य देव की पूजा से मान सम्मान धन एवं ऐश्वर्या में वृद्धि होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के संदर्भ में कुछ विशेष नियमों को बताया गया है जिनका पालन करना व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन क्या करें और क्या नहीं। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करे। मकर संक्रांति पर करें ये काम। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य देव की पूजा करना व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होता है, इसलिए सूर्य उदय के समय पर अर्घ जरूर दे। इस विशेष दिन पर दान का भी विशेष महत्व है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी तिल एवं गुड़ का दान जरूरतमंदों में करें। ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इस दिन तर्पण इत्यादि का भी विशेष महत्व है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन घर में ही तर्पण करें और पूर्वजों के आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से पितृ दोष भी दूर हो जाता है। संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। ऐसा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा न कर पाए तो घर में ही नहाते समय पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे मिला लें। मकर संक्रांति पर न करें ये कार्य। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन व्यक्ति को कुछ कार्य करने से बचना चाहिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस दिन तामसिक भोजन का सेवन न करें, साथ ही मांस मदिरा इत्यादि भी न ग्रहण करें। मकर संक्रांति के दिन रात के समय बासी खाना ग्रहण करने से परहेज करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति पर हावी हो जाती है। इस विशेष दिन पर किसी भी गरीब असहाय व्यक्ति का अनादर न करें। ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। शास्त्रों में इसे पाप की श्रेणी में रखा गया है। इस दिन अपशब्द या वाद विवाद से बचना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि घर पर भिक्षा के लिए आता है तो उसे खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं लौटाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सभी का धन्यवाद।